नमस्कार। अभी हम लोग पंचायती राज की समितियाँ पढ़ रहे हैं एक ट्रिक के माध्यम से। तो हमारी ट्रिक है बलवंत की सादिक में गिरी अशोक दाता, जी वी के राव सिंघवी सरकारिया, पी के थगुन हरलाल गाता। तो पहला वर्ड बलवंत है। बलवंत राय मेहता समिति पहली समिति बनी पंचायती राज में। और बलवंत राय अगर आप याद करेंगे तो एक मूवी सनी देओल की थी, जिसमें बलवंत राय खलनायक था, अमरीश पुरी था। तो सनी देओल से आपको साथ याद आएगा। तो सात यानी 1957 समिति बनी है। सात आपको लेना है 47 से पहले जैसे गुलाम था, 47 में आज़ाद हुआ। 47 के बाद जो आपको पहला साल मिलेगा इसमें इकाई में सात है, 57 है। तो 1957 में आपके बलवंत राय मेहता समिति बनी है। और ये महत्वपूर्ण समिति है पंचायती राज के इसमें उल्लेख में संबंध में। अब दूसरी समिति, अब चूँकि सनी देओल में सात है, यहाँ भी सात जोड़ दीजिए, 1964 आ जाता है। तो अगली हमारी समिति शादी के लिए समिति बनी 64 में बनी। अब ये जो मूवी सनी देओल की हम बात करें 90 के दशक में आई थी, तो आप नौ और जोड़ दीजिए, तो 1973 में अगली समिति क्या बनी। आप ट्रिक में जाएंगे तो गिरिधारी लाल व्यास समिति बनी। ये सारी समितियाँ कांग्रेस के टाइम पे बनी। इसके जनता पार्टी की सरकार पहली बार आपके 77 में आई है। तो अगली समिति हमारी कब बनी, 77 में बनी, जनता पार्टी के टाइम बनी। अशोक मेहता समिति ये जनता पार्टी के टाइम पे बनी है। और जनता पार्टी के टाइम पे एक और समिति जस्ट एक साल बाद बनी, दाता वाला समिति। एक साल बाद दाता वाला समिति 1978 में बनी है। अब फिर चूँकि सनी देओल शुरुआत हुई है, जनता पार्टी के टाइम पे दो कमेटियाँ बनी हैं, फिर कांग्रेस आ गई थी आपसी की बात जानते हैं। तो 78 में फिर साथ जोड़ लीजिए, 1985 में हमारी क्या बनी, जी वी के राव समिति बनी है। और इसके जस्ट एक साल बाद, तुरंत ही एक साल बाद सिंघवी समिति बनी। और समिति फिर इस बार फास्ट बनी है। एक साल बाद सरकारी आयोग, चूँकि पंचायती राज में काम बढ़ता गया, उसमें महत्व बढ़ता गया उसका, 83 में सरकारी आयोग आया। फिर एक साल में पी के थगुन समिति आ गई। और फिर आपका अंत में बनी हरलाल खर्रा समिति। ये समिति है पंचायती राज की।